हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। वो हमने पहले जो पोएम डिस्कस की है ये क्या हमें बताती है, ये किसके बारे में है। तो ये जो पोएम है वो हमें कहती है कि द पोएम टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस। तो ये पोएम हमें फियर ऑफ डार्कनेस बताती है, मतलब अंधेरे से, अंधेरे में कैसे डर लगता है एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर, और वो डर से हमें कैसे बाहर आना है, इसके बारे में ये पोएम में था। सेकंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। इन दैट व्हेन द डे इज़ ओवर द मून एंड स्टार्स शाइन इन द नाइट। सो जो मून एंड स्टार्स होते हैं वो रात को चमकते हैं। गॉट इट। So when the day is over, the moon and the stars shine in the night. Then next we have, what does the earth do when the day is over? अब earth क्या कर रहा है जब पूरा day ख़त्म हो जाता है। So the earth rests when the day is over. Then we have next question. What does the poet want us to do at night? तो जो poet है वो हमें night में क्या करने को कहता है। The poet wants us to be friends at night. तो poet हमें कहता है कि जो night है उसके साथ हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, हमें उसका friend बन जाना चाहिए। So your answer is the poet wants us to be friends at night. Then we have some true false. First, the poet tells the child to be afraid when it is dark. तो poet बच्चों को कहता है कि जब भी अंधेरा हो आप लोगों को डरना चाहिए। The poet tells the child to be afraid when it is dark. So students, it is true or false? Obvious false. The poet says that stars will shine at night. Poet कहता है कि जो stars है वो night में साइन करते हैं। राइट और रॉन्ग? यस, इट इज़ राइट। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोएट जो है वो अपने वो चाइल्ड को कहता है कि जब भी डार्क हो अपने दोस्तों के बारे में सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स। इज इट राइट और रॉन्ग? यस, इट इज़ राइट। Then we have word building. Here, what you have to do? Here you have to join these two words. जैसे कि moon plus light दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों spellings को join कर देने हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे sun plus flower, ठीक है, sun plus flower, तो answer क्या बनेगा? सन फ्लावर, राइट। इन द सेम वे यू हैव टू ज्वाइन ऑल दिस स्पेलिंग्स। तो सारे के सारे स्पेलिंग ऐसे ज्वाइन कर देने हैं। मून प्लस लाइट बन जाएगा मूनलाइट, ब्रेक प्लस फास्ट बन जाएगा ब्रेकफास्ट, गुड प्लस नाइट बन जाएगा गुड नाइट, डे प्लस ब्रेक विल बिकम्स डे ब्रेक, वाटर प्लस फॉल वाटरफॉल, रेन प्लस पो रेनबो। सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस स्पेलिंग्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। याद रखना, ये सारे स्पेलिंग्स को क्या कहते हैं हम? कंपाउंड वर्ड्स। देन नेक्स्ट वी हैव, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ, राइट। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड ऑपोजिट वर्ड्स। तो टुडे वी विल सॉल्व, जैसे कि वॉर, वॉर का क्या होगा? पीस। वॉर मतलब लड़ाई, पीस मतलब शांति। एनिमीज मतलब दुश्मन होता है, उसका ऑपोजिट फ्रेंड्स। जेंटल हार्स, लाइट डार्क, नाइट डे, स्टार्ट सीज।
So these all are your opposite words. Then we have, now write down the full forms of the following. यहाँ पर आपको full forms लिखने हैं. Last time भी हमने देखा हुआ था. Didn't का बन जाएगा did not. Shouldn't becomes should not. Wouldn't becomes would not. Couldn't becomes could not. Mustn't becomes must not. You all are getting it? Then we have, are you afraid of the dark and why? तो यहाँ पर हम सब कॉमन आंसर लिखेंगे. Yes, I am afraid of the dark. मतलब जब डार्क होता है I get afraid because I can't see anything when it is dark. तो जब भी अंधेरा हो जाता है तो मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूँ. So your answer will be, when I am afraid of the dark. Sorry, yes, I am afraid of the dark because I can't see anything when it is dark. And then next exercise, sorry, last question. What do you do when it is dark? तो जब भी dark होता है, जब अंधेरा होता है, हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो? I call my mother when it is dark. मैं मेरी मम्मी को बुलाता हूँ कि जब भी dark होता है. Right? So students, that's all for today, and the remaining exercise we will solve in second part. So that's all for today. Bye bye and have a nice day.